हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं, जिन्हें बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, खूब मशहूर हैं वो। आज मैं वहाँ पर जा रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए। दोस्तों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को क्लियर सब चीज़ दिखाने की, तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहे। मैं और मेरा दोस्त साजिद भाई, हम दोनों जा रहे हैं। ये हमारे दोस्त साजिद भाई, और गाइस मिलते हैं व्लॉग के एंड में। ना एंड में ना, पहले तो सुनो बात। मेरे भाई सोनू भाई ने आज व्लॉग के फर्स्ट व्लॉग स्टार्टिंग किया है, और मुझे ये इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत बढ़िया भी काम है। तो फिलहाल तो हम लॉन्ग टूर का जल्दी प्लान करने वाले हैं। फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं, हमारे पास के एक गाँव है जैदपुर, तो जैदपुर में धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्हें हम ज़्यादातर बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं, वो आए हुए हैं और वहाँ पर पाठ चल रहा है, तो हम वहाँ उन्हें देखने जा रहे हैं, शायद दिख जाए हमें। वैसे तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं व्लॉग शूट करने के लिए। गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देखो दोस्तों मेला सा लग रहा है यहाँ पर। अभी हम जाएंगे अंदर और अंदर देखते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना क्राउड है। यहाँ पर बिल्कुल मेला लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल खाली रहता था पहले, कुछ दिन पहले कोई भी नहीं आता था यहाँ पर। देखो दोस्तों ये यहाँ का पंडाल है, काफ़ी बड़ा पंडाल है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हम लोग कुछ देख भी नहीं पा रहे, देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये बाबा जी तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी तो दिख भी नहीं रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ पब्लिक ही दिखी जा रही है।